नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में। मूवीज और सीरियल शुरू से ही हमारे समाज का आईना है। हमारी सोच, कल्चर और रहन सहन को ही मूवी में दिखाया जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे मूवीज और सीरियल देखते हैं और उसी तरह से बिहेवियर करना पसंद करते हैं, जैसे हीरो हीरोइंस की तरह कपड़े पहनना, फूड डाइट लेना, हेयर स्टाइल रखना, ज्वेलरी पहनना। यहाँ तक कि आज की जनरेशन ने ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना और गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में कैसे रहना है ये भी मूवीज से ही सीखा है। और जब पेरेंट्स ये सब देखते हैं तो कहते हैं मूवीज ने ही बिगाड़ा है तुम्हें। पर मेरे मन में एक प्रश्न आया है कि टीवी पर जो ऐसी कई सीरियल्स और मूवीज दिखाई जाती है जिसमें परिवार के साथ हेल्दी रिलेशनशिप कैसा हो ये बताया जाता है, और जब बच्चे वो देखते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं ऐसा तो बस मूवीज या सीरियल में ही हो सकता है, रियल लाइफ में नहीं। अब आप ही बताइए, जब बच्चे क्रिश को उड़ता देख उड़ने की कोशिश कर सकते हैं, इमरान हाशमी की मूवी देख किस करना सीख सकते हैं, तो क्या पेरेंट्स बाहुबली मूवी देखकर ये नहीं सीख सकते कि माता पिता का प्रेम भी कई बार अंधा हो सकता है? क्या पेरेंट्स इंग्लिश विंग्लिश मूवी देखकर आज के जनरेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा बदलना होगा ये नहीं सीख सकते? यह सीक्रेट सुपरस्टार देखकर अपने बच्चे, चाहे वो लड़की ही क्यों ना हो, उसके हुनर को निखारने और मोटिवेट करने के लिए साथ नहीं दे सकते? या फिर राउडी राजकुमार देखकर ये नहीं सीख सकते कि पैसों के साथ बच्चों को जीवन के इमोशंस सिखाने की भी जरूरत होती है, सारे सुख देने के साथ साथ दुखों को भी रिस्पॉन्ड कैसे करना है इसे भी सिखाने की जरूरत होती है? क्या सिर्फ बच्चे और क्रिमिनल्स ही मूवी देखकर गलत चीजें सीख सकते हैं, पेरेंट्स कुछ भी नहीं? आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।